हेलो माय टू फैमिली, तो कैसे हो? आई होप गाइज आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने एक न्यू चैनल खोल रखा है और आप भी अपने चैनल से पैसे कमाने चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको अगर अपने चैनल से पैसे कमाने हैं तो आपको अपने चैनल को पहले मोनेटाइज करना पड़ता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप अपने चैनल से पैसे नहीं कमा सकते हो। और हाँ गाइज, आपको एक चीज़ और पता होगा, अगर आपको चैनल को अपने को मोनेटाइज करना है तो आपका यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम और साथ में 1K सब्सक्राइब, यानी 1000 सब्सक्राइब। वो आपको ये क्राइटेरिया आपको 1 साल में यानी 365 दिन में करना पड़ता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर जो आपका क्राइटेरिया यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइब, अगर आपका वो 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता तो क्या होगा आपके चैनल पे, क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो का स्किप मत करना। तो गाइज, माय नेम इज सूरज एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑफिशियल सूरज राज। तो गाइज, हम बात कर रहे थे, अगर आपके चैनल पे 1 साल में माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हुआ यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके चैनल पे। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर वो आपके 1 साल में कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपके चैनल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गाइज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गाइज, भले आपका माइलस्टोन चाहे 10 साल में कंप्लीट हो चाहे 50 साल में, गज उससे कोई मतलब नहीं होता। गज, अगर आपके चैनल पर मान लीजिए 50 साल में भी कंप्लीट होता तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। गज, वो आपको दिखा जाता है 360 डेज, आपको गज सिंपली दिखाया जाता है, वो आपको लास्ट के दिखाया जाते हैं, यानी जब आपका चैनल सिंपली कह लीजिए जब आपके चैनल पर वो कंप्लीट हो गया माइलस्टोन, तब का दिखाया जाता है, तब से लास्ट का। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपको आपका ये डिपेंड नहीं करता है आपका चैनल कब बना, ठीक है, तब से नहीं दिखाया जाता है। लेकिन आपका जो सिंपली कह लीजिए जब जब आपके चैनल पर वो माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है उसके रिटर्न का यानी उसके पीछे का दिखाया जाता है, उसके पीछे कब हुआ आपके चैनल पर ये माइलस्टोन कंप्लीट। गज, मैं आपको बताऊँ, जो मेरा माइलस्टोन था गज, वो मेरे 1 साल में हुआ, मेरा आई थिंक वो 1.5 से 2 साल लग गए तब मेरे को पूरा सिंपली कह लीजिए तब मेरे को पूरा 4000 घंटे का वॉच टाइम वो 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हुए थे। तो गज, ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही साल लगेगा। गाइस, सिंपली आप 10 साल 50 साल में जब तक भी कर लो जब हो जाएगा, अगर जब आप सिंपली आपका माइलस्टोन कंप्लीट होगा तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, देन आप अपने चैनल से अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। और हाँ गाइस, अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आई आप कमेंट्स कर दो, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो इतना ही, देन मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक लीजिए बंदे।